सियावर रामचंद्र की जय। आज हम चर्चा करें अरण्य कांड के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही राम चित्रकूट में लगभग 12-13 साल रहते हैं और फिर चित्रकूट से दक्षिण के तरफ नीचे आने के लिए आते हैं और आते आते महाराष्ट्र में पहुंचते हैं, जहां पर पंचवटी के जंगल में पहुंचते हैं। और आज भी आप जाएंगे तो 5 वट वृक्ष आप देख सकते हैं वहाँ पर पंचवटी में, और वहाँ पर राम लक्ष्मण रह रहे थे। और एक दिन क्या होता है, शूर्पणखा जो कि रावण की बहन वहाँ पर आ जाती है और राम से बहुत आकर्षित हो जाती है और राम को अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन राम बोलते कि अरे मैं पतिव्रता, ऑलरेडी मेरी एक पत्नी है, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, आप कृपा करके लक्ष्मण के पास जाइए। तो लक्ष्मण बोलता है अरे मैं तो उनका दास हूँ, मेरे साथ आएंगे तो आप दासी बन जाएंगे। तो आगे पीछे होते शूर्पणखा देखते हैं कि सीता ही सबके मूल है। तो सीता को मारने के लिए जैसे ही प्रयास करते हैं, लक्ष्मण शूर्पणखा का नाक काट देते हैं, तब से नाम पड़ जाता है नासिक। और फिर खरदूषण आते हैं बदला लेने के लिए, तो भगवान रामचंद्र कुछ ही मिनट सेकंड में पूरा खरदूषण के सब सेना को नष्ट कर देते हैं। तो शूर्पणखा जाती है, फिर रावण का कान भरती है कि अरे रावण और सीता के बारे में सब बताती है। और रावण पता था शूर्पणखा को कि रावण एक कामुक व्यक्ति है, तो रावण के मन में काम वासना जागृत होता है और सीता को अपहरण करने के लिए आता है। और सीता को अपहरण करके रावण लेके जाता है लंका। बीच में जटायु आता है, जटायु पूरा प्रयास करता है सीता को बचाने के लिए। सीता बोलती है कि आप इतने वृद्धावस्था में हो, आप लड़ाई मत करो, जस्ट राम को जाकर खबर दे दो। लेकिन कौन बेटा देख सकता है कोई अगर माँ को अपहरण करके लेके जा रहे हैं। तो जटायु पूरा प्रयास करता है और जटायु का दोनों पंख को रावण काट देता है और सीता माता को लेके चला जाता है। और जब राम लक्ष्मण आते हैं, जटायु को अपने गोदी में राम लेते हैं और जटायु सब कुछ बोलता है कि किस प्रकार रावण ने सीता का अपहरण किया। इस प्रकार जटायु राम भगवान के गोदी में अपना शरीर छोड़ते हैं और फिर राम आगे बढ़ते हैं। और कवंद को जब उद्धार करते हैं, कवंद बोलता है कि आप आगे जाइए और वानर सेना आपका मदद करेगा सीता माता को ढूंढने के लिए। हरे कृष्णा।